वेलकम टू एसएफ मेंटोर। और आज मैं बिंग वेब मास्टर में आपका जो ब्लॉग साइट है, ब्लॉग ब्लॉगर पे जो आपने साइट बनाई है, ब्लॉग बनाया, उसको ऐड करना बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपने सिंपल तरीका है, ठीक है, आप बिंग वेब मास्टर टू इसको सर्च करें, ये आपके सामने आ रहा है, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपने ये ऊपर जहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रही है इसको यूं क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड साइट कर देना है। ऐड साइट जब करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन खुलेंगे, एक तो ये है कि गूगल सर्च कंसोल से आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं और दूसरा आप ऐड योर साइट मैनुअली। हम यहाँ पे मैनुअली साइट ऐड करेंगे, अपनी अपना ब्लॉग है वहाँ पर जाएंगे, व्यू ब्लॉग में जाएंगे। व्यू ब्लॉग में जाने के बाद ये जो URL है हमारा, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके हमारा मिंग वेब मास्टर का जहाँ पे हम सेट ऐड करना चाहते हैं वहाँ जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके ऐड करेंगे, थोड़ी दिन इंतजार करेंगे, ये प्रोसेसिंग करेगा, ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक रेड में दे रहा है, दिस माइट बी अ मनीटरी इशू, प्लीज ट्राई। तो टेंशन नहीं लेनी, आपने यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप जब प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो साइट है, जो ब्लॉगर पे आपने बनाई है, वो यहाँ पे इशू दे रहा है कि नॉट वेरीफाइड, ठीक है। आपने ये तीन नुक्ते क्लिक करने हैं और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट वेबसाइट का, डिलीट नहीं करनी आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पॉपअप खुलेगा जिसमें आपको कहेगा कि वेरीफाई करें, ठीक है, अपनी वेबसाइट वेरीफाई करने। तो तरीका ये है, इसको हम जब वेरीफाई करेंगे तो ये इंडेक्स हो जाएगी, तो हम XML फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ से ऑप्शन है HTML मेटा टैग का, और तीसरा एड सी नेम रिकॉर्ड टू DNS, अगर किसी ने .com वाली डोमेन परचेज किया है तो ये उसके लिए है। हम सिंपली यहाँ पे HTML मेटा टैग जो है उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने जो ब्लॉगर है, अपनी जो डैशबोर्ड है, वहां पे जाने के बाद हम जाएंगे थीम में, थीम को थोड़ा सा एडिट करेंगे, एडिट HTML। उसके बाद फ्रेंड कहीं पे भी क्लिक करके आप कंट्रोल F प्रेस करें और यहाँ पे हेड जो है उसको टाइप करें। हेड टाइप करके आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये जो हेड है, ठीक है, ये जो हेड है वो आपका आ जाएगा। तो इसको जस्ट एक क्लिक करना है, क्लिक करके वो जो आपने लिंक कॉपी किया था वहां से वो इधर आपने पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से सेव जो है उसको कर देना। सेव करने के बाद ये प्रोसेसिंग लेगा थोड़ी सी। इसको सेव करने के बाद आपने रिफ्रेश कर देना है, रिफ्रेश लाजमी करें फ्रेंड ताकि प्रॉब्लम ना। उसके बाद अपनी जो बिंग वाली वेबसाइट है जहाँ पे आपने कॉपी किया था वहां से इसको जस्ट वेरीफाई कर। फ्रेंड्स, वेरीफाई करेंगे तो ही आपकी जो है वो इंडेक्सिंग में आएगी, आपकी बिंग वेब मास्टर जो टूल है उसमें आपकी वेबसाइट ऐड होगी। तो यहाँ से ये मैसेज आ गया कंग्रेचुलेशंस का, यहाँ से डन करें। अब आपका जो मेरा जैसे ये स्लिक हेल्थ था, ये आपका इसमें इंडेक्स हो गया। उसके बाद दूसरा काम आपने करना है साइट मैप ऐड करना, ठीक है। यहाँ से सबमिट साइट मैप, और ये साइट मैप कहाँ से मिलेगा आपको, आपने सिंपल अपने ब्लॉग जो साइट है, जो आपका ब्लॉग है ब्लॉगर पे, उस पर जाएँ, URL के एंड पे आपने स्लैश क्लिक करना है और लिखना है साइट map.xml, ठीक है, site map.xml। इसको क्लिक करें तो आपके सामने ये जो साइट है, ये जो मैप है आपका, वो खुल जाएगा। आपने जस्ट इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने वहीं पे जाना है जिधर साइट मैप आप सबमिट करना चाह रहे हैं बिंग वेब मास्टर में, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सबमिट कर देना। तो ये देखें फ्रेंड, आपका जो साइट मैप है वो इसमें सबमिट में आ गया है और ये प्रोसेसिंग में है। ये कुछ मिनटों के बाद ठीक हो जाएगा, जब ठीक होगा तो यहाँ पे स्टेटस ओके का आ जाएगा सबमिटेड का,
ठीक है फ्रेंड। तो ये तरीका है साइट मैप ऐड करने का। अब आपका ये जो बिंग वेब मास्टर में डैशबोर्ड है, ये जो स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट पे जो आपने ब्लॉगर पे जो आपने ब्लॉग बनाया उसका, अब यहाँ पे आप यूआरएल अपने इंडेक्स करना होते हैं इसमें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं ये एक यूआरएल खोलता हूँ, ये इसको मैं वापस लेके जाता हूँ, और यहाँ से कोई भी जो मेरी पोस्ट है उसका मैं यूआरएल यहाँ से उठाता हूँ। जैसे इसका उठा लिया, यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद बिंग में जाऊंगा और यहाँ से पेस्ट करके एंटर प्रेस करूंगा, इंस्पेक्ट कर लूंगा, एंटर नहीं करें इंस्पेक्ट कर लें, और आप देखेंगे कि ये थोड़े से प्रोसेसिंग के बाद उसको रेडी करेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग सबमिट, और अब यहाँ से इसको लाइव चेक करेंगे आया ये सबमिट हुआ कि नहीं। लाइव चेक करेंगे तो आपका जो यूआरएल है वो सबमिट ये कर चुका होगा। ये देखिए फ्रेंड, यूआरएल कैन बी डैक बाय बिंग, ठीक है। ये तरीकेकार है फ्रेंड बिंग वेब मास्टर टूल में अपने जो ब्लॉग की साइट है उसको सबमिट करने का। तो उम्मीद है ये हेल्पफुल होगी।